बिल्ली से मुकाबला। और तेज चलो चुलबुल, मुझे भूख लगी है और चाट की दुकान बहुत दूर है। अरे मैं गधा हूँ, कोई हवाई जहाज नहीं जो तुम्हें उड़ के वहाँ पहुँचा दूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम, लो बन गए तुम प्लेन चुटकी बजा के। अब जल्दी से चाट की दुकान पहुँचा दो। मैं उड़ रहा हूँ, मैं प्लेन बन गया। पापा देखा वो क्या कर रहे हैं? देख तो रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा। जिंटू वापस लैंड करो इस प्लेन को जल्दी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। अभी लो चुटकी बजा के। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, इकड़म तिकड़म दम दमादम या तुम्हें ना कुछ आए। हम यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं? क्या पता, कुछ याद नहीं आ रहा। चलो घर चलते हैं। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। मक्टू ये बताओ, अगर कोई चीज खराब हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, कबाड़ी को बेच देना चाहिए बॉस। गुड आइडिया, गुड आइडिया। टिम्बकटू पहली बार तुमने काम की बात की है। एक और इससे भी अच्छा आइडिया है बॉस, उस बेकार चीज को रॉकेट में बांध के आसमान में उड़ा दो, धरती से उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये आइडिया तो और भी अच्छा है, मैं यही करूंगा। जाओ एक रॉकेट लेकर आओ, मैं तुम्हें रॉकेट में बांध के आसमान में भेज दूंगा। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन बॉस, बॉस मुझे क्यों बॉस? मैं आपके लिए एक हिप्नोटाइज करने वाला आदमी लाया हूँ, वो वीर को हिप्नोटाइज करके यहाँ ले आएगा बॉस। वीर रोबोट है कद्दू इंसान, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तुम बस जाओ और रॉकेट का बंदोबस्त करो। रोबोट हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, लेकिन उसके दोस्त तो हो सकते हैं। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम चिंग चिंग चू। मैं हिप्नोटाइज करूं सबको, चाहे मोना हो या टिम्बकटू। हिप्नोटाइज? कैसे करते हो हिप्नोटाइज, जरा हमें भी बताओ। ये देखिए, चश्मा पहन के रेड बटन दबा दिया तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है, और ग्रीन बटन दबाया तो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाता है। तुम वीर के किसी दोस्त को हिप्नोटाइज करो और उसे ये डेटा ट्रांसफर डिवाइस दे दो। जब वीर सो रहा हो, ये डिवाइस उसके दिमाग का सारा डेटा ट्रांसफर करके ये डिवाइस मुझे दे दो, फिर मैं वीर जैसे कई रोबोट बना सकता हूँ। कई रोबोट। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहो, जितना चाहो। अब जाओ। और हाँ टिम्बकटू, ये रोबोट जैकेट भी उस दोस्त को पहना देना, क्योंकि तुम्हें इसकी रोबोटिक पावर्स के बारे में मालूम है। ओके बॉस। वो देखो, वो लड़की इमली वीर की खास दोस्त है। ओके, आज के बाद उसकी दोस्त नहीं रहेगी। इमली इधर देखो, क्या तुम्हें ये चश्मा चाहिए?
इमली चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या काम करना है और ये जैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आओ मेरे साथ। ढचू इमली तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर वीर उठो देखो इमली ने तुम्हारे सिर पर क्या लगाया है। वीर उठ जाओ वीर, वीर! क्या हुआ चुलबुल? अरे इमली तुम इस समय यहाँ? वीर वीर तुम्हारे सर पर इसने कुछ लगाया है। ये क्या है? ओ ये तो डेटा ट्रांसफर डिवाइस है। इमली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है जैसे कि तुम इमली नहीं कोई और हो? जिंटू को बुलाना होगा। तक दिन दिन कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू जल्दी से इमली के पास चलो। ओके बॉस अभी लो चुटकी बजा के। इसमें तो 1% भी डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर से जाओ और इस बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। इमली तुम इनके साथ कैसे मिल गई? हमने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है, अब ये हमारी बात ही मानेगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वीर वीर तुम ठीक हो ना? ये लो इसे सर पर लगा लो। नहीं हरगिज नहीं, इससे वो मेरे दिमाग की हर इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा। वीर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैं इमली को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो हिप्नोटाइज्ड है। वो चिंचिंचू के पास जो काला चश्मा है उसे पहन के ग्रीन बटन दबा के इमली की आंखों में देखो, वो ठीक हो जाएगी। Wing suit on. फिर वो चश्मा दे दो मुझे। ये लो लेकिन मुझे छोड़ दो। इमली बस करो, होश में आओ। इमली सुनो तो, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। चिंचिंचू काम हो गया, अब चलो अपना इनाम लेने। मैं अपना पैसा लेकर गांव चला जाऊंगा, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे छोड़ दो जल्दी, मेरा विंग सूट नहीं छोड़ा तो हम उड़ नहीं सकते। नहीं मुझे डर लग रहा है।
जल्दी चलो और वीर को बचाओ। अब वीर नीचे गिर के टूट फूट जाएगा और हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। इमली, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? है, तो मुझे छोड़ दो। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। सांस तो अब मेरी रुकेगी जब वो वापस आएगा। मैं तो भागता हूँ यहाँ से। बॉस, बॉस। हाँ, क्या हुआ? अगर नहीं हुआ तो रॉकेट लेते हुए आना। बॉस, बॉस, रॉकेट की जरूरत नहीं है, मैं खुद आसमान में जा रहा हूँ। शूटिंग स्टार्स। ये देखो मेरा कमाल। मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मुझे भी लट्टू चलाने दो ना। ओ, तुम क्या चलाओगे? तुम सिर्फ गाजर खाओ, लट्टू मैं चलाऊंगा। हाँ हाँ, तुम तो खुद ही एक बड़े लट्टू जैसे हो, तुमसे नहीं चलेगा ये लट्टू। ओहो वीर, दूर जाकर खेलो, देख नहीं रहे? हमने नई कार ली है, नई, और तुम धूल उड़ाकर हमारी कार गंदी कर रहे हो। शूटिंग स्टार्स हैं। लगता है कोई मीटर टूट के गिर रहे हैं। जल्दी घर चलिए, यहाँ तो चोट लगने का खतरा है। शूटिंग स्टार्स जब रात को दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वही स्टार्स मीटियोर्स के रूप में धरती पे गिरते हैं तो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। अभी अभी फुर्सतगंज और आसपास के इलाकों में मीटियोर शावर हुई है। एक बड़ा मीटियोर आसमान से गिरने वाला है। अभी सिर्फ उसके कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं। अगर उसे धरती की एयर स्पेस के अंदर घुसने से पहले बर्बाद नहीं किया गया तो फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट उस मीटियोर को तोड़ने के लिए मिसाइल फायर कर रहा है। उम्मीद है वो मीटियोर टूट के बिखर जाएगा और फुर्सतगंज को खतरा नहीं होगा। मिसाइल का अभी भी कुछ असर नहीं हुआ है। अब तो ऊपर वाला ही फुर्सतगंज को बचा सकता है। रोबो बॉय, तुम कहाँ हो? अब तुम ही फुर्सतगंज को बचा सकते हो। रोबो बॉय, सुन रहे हो ना? तुम्हें ही जाना होगा। वीर की कोई जरूरत नहीं, अपना जिंटू किस दिन काम आएगा। जिंटू, तुम ही ऐसा कुछ करो कि वो मीटियोर फुर्सतगंज पे ना गिरे। अभी करता हूँ, चुटकी बजा के। अरे जिंटू, ये क्या किया तुमने? बताओ तो सही, क्या किया? हाँ, ये कैसा चमत्कार है, समझ नहीं आ रहा। मीटियोर धरती पे तो गिरा ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया? अब आप खुद ही देख लीजिए धरती की सैटेलाइट पिक्चर। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सब पहले जैसा करो और जाओ यहाँ से। काम बनाने की बजाय बिगाड़ते रहते हो। जाता हूँ, जब देखो मुझ पे ही गुस्सा होते हो। ओह, यकीन नहीं हो रहा, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है सैटेलाइट फोटोज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वीर, अब तुम्हें ही जाना होगा, आओ मेरे साथ। और मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते। वीर रोबोट है, उसे कोई खतरा नहीं। तुम दोनों को बहुत खतरा हो सकता है। और हाँ वीर, 100 मीटर डिग करने के लिए ड्रिलिंग सूट पहन लेना। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन।
और एक बात, तुम्हारे स्पेसशिप में एंटी कैमरा बीम्स हैं, जिन्हें मीटियोर पर लैंड करते ही ऑन कर देना। फिर कोई भी सैटेलाइट तुम्हारी तस्वीर शूट करके रिले नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया देखे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हम भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, हम देख सकेंगे। वीर के स्पेसशिप में एक कैमरा है, वो वीर का सब काम शूट करके हमें रिले करेगा और हम यहाँ बैठकर देख सकेंगे। All the best, वीर। वीर, अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो देखो, रोबो बॉय जा रहा है। सकते हैं रोबो बॉय मिटियोर पे जा रहा है। उसका क्या प्लान है पता नहीं, लेकिन वो फुर्सतगंज को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। ये एंटी कैमरा बटन ऑन कर देता हूँ, अब कोई भी सैटेलाइट मेरी तस्वीर शूट नहीं कर पाएगा। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। दादाजी, मैंने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं वीर। वीर, पीछे देखो, कोई एलियन है। वीर, पीछे और एलियन है। वीर, टाइम कम है, डिगिंग करते रहो। दादाजी, मेरी बैटरी लो हो रही है। इतनी जल्दी जल्दी मैं आया कि दूसरी बैटरी लेना भूल गया। जल्दी चलिए दादाजी, वीर को मदद की जरूरत है। मैं इनविजिबल स्पेसशिप में जाता हूँ, तुम यहीं रुको, वहाँ बहुत खतरा है। इनविजिबल स्पेसशिप? हाँ, इसे कोई और नहीं देख पाएगा। ये अपने बैकग्राउंड में सब मर्ज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोग देखें कि मैं रोबो बॉय की मदद करने गया था। दादाजी जल्दी चलिए। इमली, तुम भी आ गई। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम वीर की सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो आ जाओ मेरे साथ। इमली, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मैं उन एलियंस का ध्यान अपनी तरफ बटाता हूँ, वो मेरे पीछे आएंगे और तुम वीर को ये बैटरी लगा देना। दादाजी, आप तेजी से भाग नहीं सकते। मैं एलियंस का ध्यान बटाती हूँ, आप वीर को बैटरी लगाओ। सिर्फ 3 मिनट बाकी है वीर। ओके दादाजी। दादाजी, आप अपने स्पेस
एयरशिप में बैठ के चले जाइए, मैं आता हूँ। नहीं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इमली, ये भैंस का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। अगर रोबो बॉय ने मिट्योर को ब्लास्ट नहीं किया तो फुर्सत गंज के साथ साथ और कई शहर भी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है रोबो बॉय मिट्योर पे क्या कर रहा है। पता नहीं क्यों हमारे सैटेलाइट मिट्योर के ऊपर की तस्वीरें रिले नहीं कर पा रहे हैं। ओफो, ये वापस आ गए। टाइम नहीं है लड़ने का। बॉय का कुछ पता नहीं। इमली, लगता है हमने वीर को। दादा